Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the passive sentences. How to recognize the sentences, passive sentences from the present and infinite tense. And today I am going to teach you the recognition rules of the passive sentences from present continuous tense. Okay friends, let's start the class of the day. Friends, present and infinite tense ke sentences ko, passive sentences ko कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, पैसिव सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. यस प्लीज. इज मुंबई मेल रनिंग ऑन राइट टाइम? आई हार्ट सो. When I got down from the taxi outside the station, the porter told me that it was running on time. Oh, quite fortunate for us, considering the irregularity of trains nowadays. Let's hope the train comes on right time. I have to reach Mumbai till down morning. So you are going to Mumbai? Hmm. I'm traveling only up to Nasik. Oh, I see. Do you live at Nasik? Yes sir, I am practicing in district court there, and I am Surekha. Mm-hmm. And may I know your good name please? Thank you very much Surekha. I am Deva Singh, doing my independent business in Mumbai. I am very glad to make your acquaintance. So let's go to the platform number 7. Train will come there. Mm, of course, let's go. Let's go. Come. ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. तो इसका पहचान का नियम सबसे पहले बता रहे हैं. पहचान, आप ये जरूर याद रखना, पहचानने का नियम, पहचानना बहुत जरूरी होता है. रिकग्निशन इज वेरी नेसेसरी. ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूं किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद शोध करके लिखा है, और ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस पे लागू हो जाए, बट 95% सेंटेंसेस इसी तरह से होते हैं पैसिव सेंटेंस के. कुछ अलग होते हैं, जैसे हो रहा है आता है, जैसे काम हो रहा है, तो काम हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन, मींस कभी कभी आपको किसी किसी सेंटेंस में इस तरह से नहीं मिलेगा, बट ज्यादातर सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेकिंग फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3. ओके फ्रेंड्स, दिस डेज आई एम टीचिंग यू अबाउट द इंट्रांजेक्टिव सेंटेंसेज इन द पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. देयर इज नॉट एक्टिव सेंटेंस, ओनली पैसिव वॉइस. आई एम टीचिंग यू अबाउट द रिकग्निशन रूल्स ऑफ द पैसिव सेंटेंसेज. ओके फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी. आप मतलब आप ये याद रखना कि इसका पहचानने का नियम क्या है, फिर बनाने का नियम क्या है. जब आप पहचान लोगे कि अच्छा ये पैसिव सेंटेंस है, फिर उसका बनाने का नियम पता होगा, तो आप बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको याद रहेगा बोलते बोलते. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं. पेड़ काटे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया कि वर्ब के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आता है, तो आप ये मत बोलना है कि वह खेलने जा रहा है, तो दिस इज पैसिव सेंटेंस. नो, दिस इज नॉट पैसिव सेंटेंस. मैंने आपको यह भी बताया है कि दिस इज अ इंट्रांजेक्टिव सेंटेंसेस, और इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा. जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कौन लोग पेड़ काट रहे हैं यह नहीं दिया जाएगा. वे लोग पेड़ काट रहे हैं, या वे लोग, उन लोगों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, ये तो हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इंट्रांजेक्टिव, दिस इज अ ट्रांजेक्टिव. इंट्रांजेक्टिव मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, अब किसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है ये पता नहीं है, तो दिस इज अ इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस. ओके, तो मैंने इंट्रांजेक्टिव सेंटेंसेस के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो और उसका क्रिया का संबंध डायरेक्ट सब्जेक्ट से ना दिया हो, तो समझ लेना कि इंट्रांजेक्टिव है,
और इस तरह से आएगा वर्ब के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, तो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको बनाते हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, द ट्रीज आर बींग कट। ठीक है फ्रेंड्स, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। अब आप यहां पर बोलेंगे, ऐसे भी बोला जाता है कि सड़कों की मरम्मत चल रही है या सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट ज्यादातर जो पहचानने का नियम है वो यही है कि सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ये सही सेंटेंस है और इसे हम पहचान पाएंगे अच्छी तरह से कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। और फिर हम इसको बना सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद है ये, तो सड़कों की मरम्मत है, सड़के, द रोड्स आर बींग रिपेयर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, द रोड्स आर बींग रिपेयर्ड, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार मिस पहचानने का नियम आपको पता चल जाएगा और उसका बनाने का नियम याद रहेगा, तो फिर आपको पैसिव सेंटेंस को बोलचाल में इस्तेमाल करते वक्त, उसका यूज करते वक्त आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स इस तरह के सेंटेंसेज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि इसमें इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स और नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्यों पीटा जा रहा है, उसे क्यों पीटा जा रहा है, पीटना इज द वर्ब, उसके बाद जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो वाई क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो वाई इज ही बींग बीटन, वाई इज ही बींग बीटन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वाई इज बींग ही बीटन ऐसा मत लिख देना आप, वो गलत होगा। वाई इज, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ही कुछ आएगा। ठीक है, कुर्सियां कहाँ बनाई जा रही है, तो कहाँ, वेयर आर द चेयर्स, वेयर आर द चेयर्स बींग मेड, कुर्सियां कहाँ बनाई जा रही है, क्या कुछ खड्डे खोदे जा रहे हैं, क्या मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, तो क्या आर सम पिट्स बींग डग, आर सम पिट्स बींग डग, क्या कुछ खड्डे खोदे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे सताया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, तो क्या होगा, आई एम बींग ट्रबल्ड, आई एम बींग डिस्टर्ब्ड, आई एम बींग वेक्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, उसे गाली दी जा रही है, ही इज बींग अब्यूज्ड, मेरा अपमान किया जा रहा है, मींस मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो आई एम बींग इंसल्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे धोखा दिया जा रहा है, आई एम बींग चीटेड, आई एम बींग डिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बनता है। ठीक है, उन लोगों को भगाया जा रहा है, दे आर बींग मेड टू रन अवे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंस को पहचानते हैं और उसका इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और ये जानकर कि हम किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।